हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल की ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज सेशन चलेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो इस सेशन को ध्यान से देखना है। और सेशन पसंद आए और क्वेश्चन लगता है आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं हमने देखा है, पूछा गया था, तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। डेली MCQ सीरीज़ की चलती है ये, ठीक है, और डेली अपलोडेड वीडियो करके आता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कारणवश क्या होता है नहीं हो पाता है, नहीं तो लगभग डेली ही क्या होता है आपकी ये वीडियो अपलोड होती है। ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं, जो इंटरेस्टेड है वो थंबनेल पे नंबर दी हुई क्वारी करके ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखें तो पूछा क्या है कि सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होगी यदि लोड का मान बढ़ाया जाए। सिंक्रोनस गति की बात कर रहा है, हमको पता है कि सिंक्रोनस गति किसको कहते हैं। सर, सिंक्रोनस गति वह गति होती है जिस पे हमारा स्टेटर का या रोटर का फ्लक्स घूर्णन करता है, वही हमारी क्या कहलाती है, सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है, ठीक है। मगर रोटर क्या होता है, फ्लक्स के स्पीड से कम स्पीड पर घूमता है, यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। यदि रोटर की स्पीड फ्लक्स के स्पीड के बराबर हो जाए, चाहे वो रोटर की हो चाहे स्टेटर की, किसी भी फ्लक्स के बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि वह मोटर क्या है, हमारी सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। और ऐसे मोटर की स्पीड क्या होती है, हमेशा नियत होती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। लोड बढ़े चाहे घटे उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि अपने आप वह लोड एंगल को मैनेज करके स्पीड कॉन्स्टेंट रखने का प्रयास करता है, ठीक है। ऐसे मोटर क्या होते हैं सर जी, ऐसे मोटर हमारे सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, ऐसे मोटर हमारे सेल्फ स्टार्ट नहीं होते। ऐसे मोटर को हम डबली एक्साइटेड मोटर कहते हैं, क्यों, क्योंकि सर इसके स्टेटर और रोटर दोनों पे क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सर इसमें डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ये सब सारी इंपॉर्टेंट क्वेरी थी इससे रिलेटेड, तो सर स्थिर रहती है, लोड कमांड बढ़े चाहे घटे, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग किसके कारण होती है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग के कारण क्या हो सकती है, पल्सेटिंग आवृत्ति, प्रतिवर्ती भार, पल्सेटिंग आवृत्ति या प्रतिवर्ती भार, या कोई नहीं, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखो, हमको पता है कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग मतलब सिंपल भाषा में कहें तो कंपन या वाइब्रेशन की बात करें, ठीक है, बहुत तेज कंपन होने लगता है कि इसमें मोटर में और फाउंडेशन, जिससे क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है या उखड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है किसके कारण, तो सर हंटिंग हमारी होती है या तो फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन हो बार बार, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होने से स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो जाती है, मोटर में फ्लक्चुएशन या फिर वाइब्रेशन आता है। या दूसरी कहानी कि लोड बार बार कम ज़्यादा हो रहा हो तो मशीन पे भार कम ज़्यादा होता है, जिससे पुल्ली शाफ्ट पे क्या होती है, तनाव कम ज़्यादा होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मोटर वाइब्रेट या फिर हंटिंग करने लगता है। तो दो कारण होते हैं, या तो पल्सेटिंग आवृत्ति हो या फिर प्रतिवर्ती यानी परिवर्ती भार हो, दोनों के कारण हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है तो फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होती है, याद रखना है, बहुत बार बताएं। वैसे तो सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड मोटर होती है, यानी स्टेटर पे डीसी सप्लाई देते, सॉरी रोटर पे डीसी सप्लाई देते हैं, स्टेटर पे हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं। मगर ये चीज़ याद रखना कि शुरुआत में जो सिंक्रोनस मोटर है हम कैसे स्टार्ट करते हैं सर, या शुरुआत में इसकी स्टार्टिंग तो इंडक्शन मोटर की तरह ही करते हैं। क्यों, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, क्योंकि इंडक्शन मोटर की सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी होती है, मगर सिंक्रोनस मोटर की नहीं होती। इसलिए क्या करते हैं, शुरुआत में इसके जो फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है हमारी, याद रखना, फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होती है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है। तो जो रोटर वाइंडिंग होती है शुरुआत में, या फिर फील्ड वाइंडिंग जो होती है शुरुआत में, शॉर्ट सर्किट होती है। जब 60-70% स्पीड गेन कर लेता है हमारा रोटर, तब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो प्रारंभ में कैसा वर्क करता है सर,
प्रारंभ में शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लोग डीसी मार के आएंगे सी, जो कि गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन क्या है, फुल लोड पर मोटर का स्लिप क्या होता है? फुल लोड पे सिंक्रोनस मोटर की बात बोल रहा है, ठीक है, फुल लोड पे स्लिप की बात कर रहा है। अब देखो इसमें क्लियर नहीं लिखा कि सिंक्रोनस मोटर की बात बोल रहा है या फिर इंडक्शन मोटर की। देखो स्लिप की बात करें फुल लोड की तो जीरो हो जाता है, क्योंकि हमको पता है, अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें, पहले समझो सिंक्रोनस मोटर कि हमको पता है, क्योंकि NS माइनस NR होता है सिंक्रोनस स्पीड, सॉरी स्लिप की वैल्यू। हमको पता है कि जिस स्पीड पे NS चलता है यानी फ्लक्स चलता है, उसी स्पीड पे हमारा क्या चलता है, रोटर चलता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी S की वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी जब मोटर सिंक्रोनस गति से चलता है तो स्लिप की वैल्यू जीरो, और जब मोटर रुकी होती है तो स्लिप की वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है। मगर यही इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में क्या हो जाता है, हमारी स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो पॉइंट जीरो टू, यानी 2% से लेकर 4% या 5% तक मैक्सिमम, 0.05। ठीक है, तो 0.02 होता तो मार सकते थे, 0.2 दिया हुआ है तो गलत है, क्योंकि इसका जब परसेंट में निकालोगे फिर ये 20% हो जाता है, और कभी भी 20% नहीं होता है। दूसरा 0.01%, ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन सी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। क्या दिया है ऑप्शन, क्वेश्चन देखें तब समझ में आएगा। ऑप्शन ए, यानी किसकी बात बोल रहा है, ये सिंक्रोनस मोटर की बात बोल रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर उसकी बात बोलता है किसकी, थ्री फेज जनरेटर मोटर की, तो हम 0.02 से लेके 0.03 टिक कर सकते थे। ठीक है, 0.03, यानी ये ऑप्शन देख ले रहे किसकी बात कर रहा है, सर ये सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है, उसके स्लिप की बात कर रहा है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये तो फेवरेट है, अल्टरनेटर नीचे दिया हुआ है जी। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन किसके समान होता है, यानी सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है। डीसी कंपाउंड मोटर कहाँ प्रयोग होता है जी, याद रखना एलिवेटर में। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर कहाँ प्रयोग होता है सर जी, रोलिंग मिल में, ये सब चीज़ याद रखो कहाँ प्रयोग होता है। डीटी सन जनरेटर कहाँ होता है जी, बैटरी चार्जिंग ये सब में। अल्टरनेटर कहाँ प्रयोग होता है, थ्री फेज उत्पादन में। तो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर सबकी कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होती है, दोनों की कंस्ट्रक्शन एक जैसी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है, अल्टरनेटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर, सबकी संरचना देखोगे तो अंतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, लगभग सेम होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर फ्रेम किससे बनी होती है, याद रखना कोर की बात नहीं बोला है। बहुत लोग सिंक्रोनस मोटर स्टेटर की बात किए फिर ऑप्शन देखते हैं तो अधिकतर देखते हैं CRGO दिया है क्या, CRGO तो अधिकतर पूछा जाता है तो वो मार के चले आते हैं। मगर इसमें पूछा है कि स्टेटर का मेन फ्रेम किसका बना होता है, जो फ्रेम होता है यानी जिसकी योक बोलते हैं। ठीक है, योक हमारा किसका बना होता है, या तो कास्ट आयरन का बना होगा, या तो कास्ट आयरन का बना होगा या फिर वेल्डेड स्टील का बना होगा। ठीक है, याद रखना कास्ट आयरन का अधिकतर कब बनता है, जब छोटे छोटे मोटर हो तब कास्ट आयरन, ये बड़े मोटरों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, वेल्डेड स्टील का, तो याद रखना या तो कास्ट आयरन होगा या तो वेल्डेड स्टील। सही है, सिलिकन स्टील CRGO इन सब का क्या बनता है, हमारा कोर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के एक फेज शॉर्ट सर्किट करने पर मोटर क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा, सिंक्रोनस स्पीड के दो बटा तीन चलेगा, अत्यधिक कद पर करेगा, यानी निर्धारित लोड से कम पर लगेगी, तो इसका ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गए, कहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से। तो यदि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए या कर दिया जाए
तो मोटर कभी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो ये डबली एक्साइटेड है, ऊपर से तुम रोटर पे डीसी दे रहे हो, स्टेटर पे थ्री फेज दे रहे हो, और थ्री फेज में से भी एक निकाल ले तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है, उतना टॉर्क उत्पन्न नहीं हो पाएगा, स्टार्ट तब नहीं होगी, ठीक है, स्टार्ट नहीं हो पाएगी मोटर, सही है ना। सिंक्रोनस मोटर में डंपर बांधने का प्रयोग क्यों करते हैं, पहले ही बता दिए थे कि सर जी सिंक्रोनस मोटर मेरा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट करते हैं, दूसरी कहानी इस पर क्या करते हैं, डैम्पर बाइंडिंग लगाते हैं, जिससे क्या होता है यह सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर मोटर के ठीक है सेल्फ स्टार्ट होने के लिए दूसरी कहानी, या फिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वार्टिंग जब कोई सेल्फ स्टार्ट कब होगा, अपने से स्वतः घूमने कब लगेगा, जब उसकी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होगी, ठीक है, और दूसरी कहानी किस लिए, सर वाइब्रेशन को रोकने के लिए भी डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं कंपन को, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। तो मोटर के हंटिंग को बढ़ाने के लिए नहीं, ये अगर ये कम लिखा होता तो ये भी सही हो सकता था, ठीक है, मगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो किस लिए प्रयोग करते हैं सर, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं डैम्पर बांधने का, ठीक है, हंटिंग कम करने के लिए भी प्रयोग होता है, मगर हंटिंग कम करने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीचे जाने की जरूरत नहीं है, नॉन ऑफ दिस लिखा होगा, क्योंकि लीडिंग लैगिंग यूनिट यही होता है। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग होता है, और यही ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर बोलता है तो लैगिंग हो जाता है। ओवर एक्साइटेड में क्या होता है, एक्साइटेशन 100% से ज़्यादा होती है, पहली कहानी, दूसरी ईवी की वैल्यू 20 से बड़ी होती है, तीसरी कहानी ये क्या हो जाता है हमारा, डी मैग्नेटाइज हो जाता है, सबसे देख सवाल ये सब पूछा जाता है, डी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना है, सही ना, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, यानी ऐसा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो सिंक्रोनस मोटर की तरह तो चलता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर पर भी चलता है, मगर उसको एक्साइट करने के लिए डीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमारे दो मोटर होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है रिलक्टेंस, जहाँ जो टाइमिंग और सिग्नलिंग में प्रयोग करते हैं, प्लस दूसरा होता है हिस्टैरिसीस, जिसका प्रयोग हम टेप रिकॉर्डर ये सब में करते हैं, क्योंकि इसकी नॉइस बहुत कम होती है। तो रिलक्टेंस मोटर दिया है ऑप्शन है, और यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी सीरीज मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, मैक्सिमम पावर जनरेटर के लिए भी EF एक्सेस साइन डेल, ये कपलिंग एंगल, ठीक है, तो साइन 90 पे ही ना, साइन 90 का मान कितना होता है जी, एक होता है, तो यह सर जी जो मैक्सिमम पावर है, सर जो मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम सर्किट है वो किस पे मिलेगा, जिसको P डेवलप्ड भी कहते हैं, वो किस पे मिलेगा सर, हमारा 90 डिग्री पे मिलेगा, क्योंकि साइन 90 होगा तभी अधिकतम मान होगा, नहीं सब पर कम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, साइन 90, ठीक है, इसको याद रखना, VEF एक्सेस ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है, ऊपर की चीज़ें तुम्हारी, मगर इतना याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रख लो, VEF एक्साइटेशन फील्ड साइन यानी पावर एंगल कपलिंग एंगल, और एक्सेस यानी सिंक्रोनस रिएक्टर। सिंक्रोनस स्पीड वह स्पीड है, पहले एक क्लास पहले ही लेक्चर में सॉरी पहले ही मैं बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन में लगभग, जिस स्पीड पे स्टेटर फ्लक्स घूम रहा है या जिस स्पीड पे रोटर फ्लक्स घूम रहा है, अगर इस पे हमारा ये रोटर घूमने लगे तब कहेंगे वो स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड वह स्पीड है जिस पे स्टेटर फ्लक्स घूमता है, ठीक है, कम्यूटेटर स्पीड नहीं, कम्यूटेटर स्पीड नहीं, जिस पे हमारा स्टेटर फ्लक्स घूमता है भाई हमारी क्या कहलाती है, स्टेटर सॉरी सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है,
अगला क्वेश्चन, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है? देखो स्लिप रिंग से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर थ्री फेज स्लिप रिंग की बात करें तो सर जी तीन स्लिप का प्रयोग होता है। स्क्वायरल केज में सर कितने स्लिप रिंग का प्रयोग होता है? एक भी नहीं प्रयोग होता है। और अगर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सर जी दो स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसको याद रखना, स्क्वायरल केज में नहीं होता है। यहाँ पे कितने की आवश्यकता पड़ेगी? दो स्लिप रिंग, जिसे क्या करते हैं आप डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर पे, वही वाली दो स्लिप रिंग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में न्यूनतम आर्मेचर करंट किस पे होता है? इसलिए तुमको वी कर्व बनाना पड़ेगा। यही होता है वी कर्व, किसके किसके बीच में होता है? सर आई ए और आई एफ के बीच में। एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट क्या होता है, 100% एक्साइटेशन, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिटी पावर फैक्टर वाली पॉइंट ये है और यहाँ पे आर्मेचर करंट का मान क्या है, सबसे न्यूनतम है। तो बोल सकते हैं सर यूनिटी पावर फैक्टर पर सबसे कम पावर फैक्टर होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर पर सबसे कम पावर फैक्टर, सॉरी सबसे कम आर्मेचर करंट होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बड़े सिंक्रोनस मोटर को ओवरलोड से रक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक बड़े सिंक्रोनस मोटर है उसका ओवरलोड सुरक्षा करना, यानी ज़्यादा लोड है तो उसके सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमको पता है कि कहीं पे भी ओवरलोड रिले को, ओवरलोड रिले का अन्य नाम कहें तो इसको ओवर करंट रिले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर करंट रिले भी बोलते हैं। तो ओवरलोड से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर ओवर करंट रिले का प्रयोग करते हैं। किसका? ओवर करंट रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। सारे सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन थे और सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के तुम यूथ में उठा कर देख लो या किसी भी एग्जाम में देख लो, सिंक्रोनस मोटर है यानी इससे क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। क्या दिए, टेम्परेचर सेंसिटिव, बड़े सिंक्रोनस मोटर को ओवरलोड सुरक्षा देते हैं। अच्छा देख, हाँ सही। ठीक है, ओवरलोड लीजिए करंट बढ़, ओवरलोड होने से क्या होता है, आइए की वजह, देखो क्या होता है ना, जब करंट सॉरी सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ता है तो अपने आप को क्या करता है, आर्मेचर करंट बढ़ाकर टॉर्क उससे बढ़ाकर, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई होता है, अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करता है। अच्छा आइए बढ़ेगा तो इससे क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसिटिव रिले से क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ये जो ओवरलोड रिले है ना, ये किस में अधिकतर प्रयोग होता है, थर्मल वाले में। ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले होता है। ठीक है, इसको याद रखना, थर्मल ओवरलोड बोलते हैं ना, थर्मल रिले को ही ओवरलोड रिले हैं, तो देखो थोड़ा गलत हो गया हमसे। ठीक है, वो तो ओएलसी होता है ना, ओएलसी प्रयोग होता है, थर्मल ओवरलोड रिले का नाम तो नहीं होंगे, उससे प्रयोग होता है। ठीक है, तो थोड़ा गलत जगह चले गए थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी तरह डेली सेशन रहता रहेगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।